आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल का आयकर विभाग की संयुक्त आयुक्त डॉक्टर ABS शालिनी ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण किया गया है। पौधों से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में पौधे लगाने चाहिए। इस मौके पर आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर ABS शालिनी, इनकम टैक्स अधिकारी BP सिंह, रामांचल दिनेश कुमार सहित आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हमारे बीच में उपस्थित सेवा चिकित्सा निदेशक पर उनसे हम बात किए हैं। मैं आयकर परिवार को स्वागत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं सर्वप्रथम कि हमारे परम आदरणीय दोनों मुख्यमंत्रियों का जा रहे हैं। हमारे धन साइकिल साइकिल चालन तमाम तरह के काम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी प्रकार साइकिल चलाने वालों में भी पार्टी की सरकार देश के अंदर आई है आजादी के जश्न को मनाने के लिए। इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में हमारे प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है मनाने का। इस अवसर में हमारे नगर के सभापति जैसे मोहन वर्मा जी, हमारे पार्षद अलोक सिंह मिश्र जी, हमारे गौरपुर चिकित्सा अधिकारी पाठक जी और यहाँ के जितने कमिश्नर मैडम और सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण उपस्थित सभी जन, आज बहुत ही खुशी है कि गोरखपुर इनकम टैक्स कार्यालय में अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण किया गया और ये दिन बहुत ही शुभ है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का 71वां जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं और विभिन्न तरह के प्रयोग उनके दिशा निर्देश में यहाँ की जनता, यहाँ के अधिकारी सब लोग मिलजुल करके कर रहे हैं। का महिला चिकित्सालय में मैंने भी लोकार्पण किया है जिसके द्वारा 500 मुसीबत के घड़ी में उनके बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है आज़ादी का। इस अवसर पर इनकम टैक्स विभाग ने अपने खर्चे से अपने परिसर में पौधा लगवाया है और इसका बहुत ही अच्छा उद्देश्य है ऑक्सीजन वायुमंडल में नियंत्रित करने के लिए पेड़ पौधे सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। इस उद्देश्य से इनकम टैक्स विभाग के
अधिकारियों के सहयोग से वहाँ पौधा लगाने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था और बड़े ही अच्छे ढंग से पौधे वहाँ लगाए गए हैं। मैंने उन्हें कहा है कि जो पौधे लगा रहे हैं इसको भी आप संरक्षित करिए और जो उद्देश्य है ऑक्सीजन के लिए पौधे ही बहुत उपयोगी हैं, इस पर हमारा इनकम टैक्स विकास भी आज पूरे देश में ये काम कर रहा है, वृक्षारोपण करा रहा है। मैंने उन सभी लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दिया।